फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग को मेरी अब तक की वीडियो बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आज मैं फाइनली आ गया हूँ समर साइड, और मेरे पास मेरे दोस्तों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही कि भाई समर साइड की वीडियो बनाओ। शार्लेटाउन की बना ली और अल्बर्टन की बना ली, और अभी मैं कुछ दिन पहले वो मॉन्टेग में भी गया था, मॉन्टेग्यू में भी गया था, वहाँ की भी बना ली। तो फाइनली आज मैं आया हूँ समर साइड, वहीं पर बैठा हुआ हूँ। और ये जो पीछे जो रोड जा रहा है, ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है, इसे कहते हैं ग्रैनविल स्ट्रीट। और इसके आजू बाजू ये, या इसके आगे तो पूरा समर साइड खत्म हो जाता है। ये लास्ट स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट है यहाँ पर, और इसी स्ट्रीट के ऊपर है ना, यहाँ पे है ना सारा कुछ बाजार है। और जैसे ये आगे वॉलमार्ट है, आगे ये सामने ही वॉलमार्ट है, पीछे मेरे ये कैनेडियन टायर है, आगे इधर डोलारामा भी है, टीम होटल, मतलब यही है ना, ये जो एरिया है यही आगे मेन एरिया है। बाकी आगे तो इसके आगे पूरा है ना रेसिडेंशियल इलाका है, बाकी वहाँ पे आगे पूरे घर घर है। ये यहाँ की मेन मार्केट है। ये जैसे ये जो है यहाँ पे, ये एक मॉल भी है, छोटा सा मॉल है, ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है। इसमें इसे कह सकते हैं कंट्री फेयर मॉल है। यहाँ पे ये जाइंट टाइगर का भी शोरूम है, स्पोर्ट्स चेक है, अरे डॉलर स्टोर भी है इसके अंदर। ये मतलब छोटा ही सा मॉल है, ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है। ये सामने मैकडी भी है, सबवे है। ये पूरी ये यहाँ की यार समर साइड की मेन स्ट्रीट है, इसके आजू बाजू सबवे, बाकी तो पूरे समर साइड पे। बाकी तो मुझे और कुछ दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आगे रोड के आगे ही जाते हैं, तो रोड के आगे पूरे खर रेसिडेंशियल इलाका चालू हो जाओ। तो फ्रेंड्स, ये है कैनेडियन टायर, और ये लाइन से यहाँ पे सारे ब्रांड लगे हुए हैं, जैसे ये ग्लोबल पेट का है, और बेल एलियन का है, और ये टीबोटन वेंडी भी यहाँ पे है, और सामने वो पुणे में दिख रहा है डोलारामा। ये एक ही लाइन में सारी दुकानें हैं, ये सामने रोड के इस साइड सोबेस और रॉटन का भी शोरूम है, और उसके ऊपर जिम भी लगा, जिम सेंटर भी है, आयरन हेवन जिम। पार्किंग काफ़ी बड़ी है यहाँ पर। यहाँ पे एक ये टीम होटल है, और एक पीछे की साइड है, पीछे के रोड के उधर टीम होटल है, दो टीम होटल है ये हाईवे के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ का रेसिडेंशियल इलाका चालू हो जाता है। ये पीछे वाला जो एरिया था वो ख़त्म हुआ, जो मॉल वाला पूरा जो एरिया था, मार्केट वाला, यहाँ से इसके आगे में जो आप बता रहा था कि ये रोड के आगे पूरा रेसिडेंशियल इलाका चालू हो जाता है, ये एरिया रेसिडेंशियल इलाका ये चालू हो गया। यहाँ से आगे पूरा रेसिडेंशियल इलाका, अभी मैं थोड़ा यहाँ के पता चला डाउन टाउन की साइड जा रहा हूँ, देखते हैं। ज़्यादा बड़ा डाउन टाउन तो नहीं है यहाँ का, मैं रास्ते में आते आते मैंने देखा था, फिर भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ का डाउन टाउन कैसा है, ठीक है। ये रास्ता काफ़ी लंबा है डाउन टाउन, यहाँ से देखते हैं अभी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। वैसे तो खेत खेत है यहाँ पर, ग्राउंड ग्राउंड बना रखो। देखो ये कौन सी स्ट्रीट है, एवेन्यू, बीटन एवेन्यू। तो फ्रेंड्स, ये वही इसके आगे वाले रोड पे आया हूँ मैं, वही रोड पे आया हूँ। ये अपार्टमेंट है यहाँ पर, मगर मैं सच्ची बताऊँ इसमें से मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई अवेलेबल होगा, क्योंकि सारे ही भरे हुए हैं, क्योंकि हमने एक बार एक जगह जगह पे सब जगह पूछ कर आए हैं। और ये आगे आ गया, ये आगे आ गया, ये स्टेडियम लगता है, ये यहाँ का सबसे बड़ा ही स्टेडियम बना रखा, इस चीज़ का स्टेडियम है, लगता बेसबॉल का स्टेडियम है। पूरे यहाँ से आगे पूरा रेसिडेंशियल, ये रोड तो पहले वहाँ पे आगे तो बहुत बड़ा हुआ था, मगर आगे धीरे धीरे है ना ये छोटा हो गया। ये रहे आगे स्टेडियम, छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर, एक एक दो दो। तो फ्रेंड्स, अब मैं समर साइड के वाटर फ्रंट पे आ गया हूँ। ये देखिए पूरा ये वाटर फ्रंट है, बहुत बड़ा वाटर फ्रंट है, यहाँ से लेकर मतलब
जैसे बॉम्बे में पूरा मरीन ड्राइव है ना, वैसे ये पूरा यहाँ से पूरा फैला हुआ है, वो कोने तक है ना पूरा वाटर फ्रंट है, दूर दूर तक पानी पानी। देखो यहाँ पे पूरा ये जब बीच बार भी है, बाइक्स भी है, पैडल भी है, ये नाव वाव सब यहाँ पे है ना मिलती है, लोग चलाए हॉलीडेज के टाइम। आज तो थोड़ी ठंडी है मगर थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है, तो यहाँ पे है ना रेंट के ऊपर सब ये कया कयाकिंग भी ये सब होती है, नाव वाव सब लोग चलाते हैं। अभी मैं यहीं पे घूम रहा हूँ, हवा काफ़ी चल रही है, पूरा बैठने बैठने के सब बना रखा है, ये पूरा समुंदर अटलांटिक ओशन। पूरा अटलांटिक ओशन पूरा दूर दूर तक बना हुआ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं समर साइड के ना डाउनटाउन में आ गया हूँ। ये देखिए डाउनटाउन यहाँ का कैसा है, बस ये रहा पूरा डाउनटाउन, बस वो लास्ट वाली दुकान है वहीं तक है डाउनटाउन यहाँ का। ज़्यादा बड़ा डाउनटाउन नहीं है यहाँ पर, ये स्कॉशिया बैंक की ब्रांच भी खुली हुई है, A1 पिज़्ज़ा, बस लाइन से पूरी ये दुकानें लगी हुई है, बस पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, लास्ट में वो लास्ट में सी दिख रहा है, बस वहीं तक है, जो सामने जो रेड लाइट दिख रही है बस वहीं तक है डाउनटाउन यहाँ का। ज़्यादा बड़ा नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, सिर्फ गाड़ी चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है रोड के ऊपर, बाकी तो पब्लिक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ पे घर नहीं मिलते क्योंकि सारी इंडियन पब्लिक यहाँ पर आ गई है, सारी जगह बुक है, घर नौकरी जॉब कुछ नहीं है। अच्छा रेस्टोरेंट है, कोई भी रेस्टोरेंट पूरा खाली लग रहा है, आज लगता कोई भी नहीं है, पता नहीं क्यों आज पूरा रोड ही खा दिए, यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा। ये चाइना स्टार रेस्टोरेंट है, पता नहीं कुछ होगा, गोलमैन सेंटर एंट्रेंस। इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स ये यहाँ की डाउनटाउन की लास्ट दुकान है, यहाँ सुशी की रेस्टोरेंट है, ये बस इतना ही है डाउनटाउन यहाँ पे। तो सामने ये बस चार रास्ते ये रेड लाइट दिख रही है, बस यहाँ तक ये डाउनटाउन है, फिर ख़त्म। ये रहा पीछे का मेल, कोई भी नहीं है डाउनटाउन में। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं समर साइड के ऑल एंड कॉलेज साइड आया हूँ। ये रहा सामने ऑल एंड कॉलेज, इसके भी है हार्बर थिएटर और है आर्ट एंड कल्चर सेंटर समर साइड का, तो मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरह से एक बार। ये रहा ऑल एंड कॉलेज, ये और ये है हार्बर फ्रंट थिएटर और ये आर्ट एंड कल्चर से समुद्र के किनारे ही है, इसके पीछे पूरा समुद्र ही है, पूरा सी है इसके आगे। तो अभी मैं निकल जाऊंगा बस। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, शॉर्ट में मैंने आपको पूरा मतलब पूरा सनी मतलब समर साइड का मेन इलाका दिखा दिया, और जो मेन स्ट्रीट थी वो तो मैंने आपको दिखाई थी ग्रेवनेल स्ट्रीट, और ये भी ऑल एंड कॉलेज डाउनटाउन दिखा दिया, समुद्र भी दिखा दिया, और क्या बाकी रहा, और तो मुझे लगता नहीं कि और कुछ बाकी रहा, अगर फिर भी देख लूँगा, अगर कुछ रह जाएगा तो बाद में भी आके वीडियो बना दूंगा। वैसे जगह तो बहुत अच्छी है, देखते हैं। यहाँ पे बस मैं अभी आज थोड़ा घूमने आया था, तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। तो फिर भी अगर कुछ बाकी रहेगा तो फिर वो भी बना दूंगा, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और उसका सब्सक्राइब तो पक्का करिए, क्योंकि मैं अभी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के हर कोने कोने में जाके हर वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को
सब्सक्राइबरों की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करिए प्लीज़।